देश में एक तरफ कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद लोगों के मन में दहशत भी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर है, जिसको लेकर लोग बाहर घूमने या पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन आपके प्लान को फीका कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। भारत में शुक्रवार को 100 का आंकड़ा ओमिक्रॉन पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक ओमिक्रॉन के 101 मामले सामने आ चुके हैं और ये 11 राज्यों में पहुंच चुका है। अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं। वहीं यूरोप में कोरोना के तेजी से फैलने पर चिंता जताते हुए कहा कि ब्रिटेन में एक दिन के अंदर 80,000 से ज्यादा केस आए हैं, जो कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है, हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, तो ये इमर्ज हो रहा है, लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्च बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच लॉकडाउन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो क्वाइट स्टेबल, कुछ जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है क्राइटेरियन बेस्ड रूल बेस्ड तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस होनी है वो भी लागू की जाए, और उसके भी अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइनिंग, कंटेनमेंट जोन्स होनी है उसको भी पकड़ में रखें, इस पेंडेमिक को वो एफर्ट होना चाहिए। जहाँ क्लस्टर्स हुए हैं वहाँ और भी केयरफुली डिस्ट्रिक्ट्स की और स्टेट्स की जिम्मेवारी है कि वो क्लस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें, क्लस्टर्स को कंटेन करें, और जो भी सर्वेलेंस के मेजर्स और कंटेनमेंट के मेजर वहाँ होने चाहिए वो, और उसके साथ साथ उनकी जांच भी हो कि क्या ये कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्डनेस फॉर द इमर्जिंग पोटेंशियल सिनेरियो एंड केयरफुल वॉच एंड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग द मास्क, अवॉइडिंग क्राउडेड सिचुएशंस, और उसमें अब हम ऐड कर रहे हैं जो कि हमें WHO की गाइडेंस भी मिली दोबारा, फिर आपने देखा याद रखें अगर, तो वेंटिलेशन की बात, माहौल खुला हो तो वायरस को कम मौका मिलेगा। सरकार का जनता को आगाह करना यूं ही नहीं है, देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों ने सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। इस घड़ी में हम सबको सरकार द्वारा पारित कोविड गाइडलाइनों को सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें मास्क लगाना सबसे जरूरी कदम है। INS रिपोर्ट।